A very good morning to everyone. I'm Manoj Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing the topic Indigo. As you know that Indigo is a chapter in which there are some historical events are shown. तो हिस्टोरिकल जो ये चैप्टर हमारा रहा है अभी तक, कल हमने इंट्रोडक्शन देखा, और अगर जिस चैप्टर में गांधी जी आ जाएं तो वो चैप्टर तो वैसे ही हिस्टोरिकल हो जाता है, बिकॉज गांधी जी इज नॉट ओनली एन हिस्टोरिकल पर्सन बट ही वॉज वर्सटाइल पर्सन, यानी कि वो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इन्होंने छोड़ा. लेकिन इस चैप्टर में हम लोग केवल एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. तो इसमें कहानी है इंडिगो, यानी कि इंडिगो जो है एक प्रकार की फसल है जो कि बिहार में होती थी, और उस समय अंग्रेजों का शासन था, और चूंकि अंग्रेजों का शासन था तो वो लैंडलॉर्ड सिस्टम वहां पे था, और कहीं ना कहीं जो टैक्सेस थे वो बहुत ज्यादा इम्पोज करे जाते थे. ठीक है, इम्पोज करना मीन्स थोपना किसानों के ऊपर. तो उससे बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए परेशान होकर किसान जो है गांधी से मिलना चाहते थे. एंड देर वॉज वन फार्मर एंड हिज नेम वॉज राजकुमार. तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला जो नाम का एक फार्मर है, तो वो जो है उसने अप्रोच किया गांधी जी को. ऑल्दो इट वॉज नॉट वेरी इजी टू रीच हिम टू गांधी जी, लेकिन फिलहाल वो कोशिश करता रहा और उसको एक दिन सफलता मिली. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए, गांधी स्टार्ट्स नरेटिंग द इंसिडेंट विच मेड हिम डिसाइड स्पर द एग्जिट ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया. अब चूंकि ये जो राइटर हैं लुइस फिशर, तो इनसे मुलाकात जब होती थी तो गांधी जी ने जब शुरू किया तो ब्रिटिश इंडिया के यहां से जाने के बारे में उन्होंने बात शुरू की. मतलब एक ऐसा इंसिडेंट या घटना बताई कि जब ब्रिटिश इंडिया यहां से लगभग लगभग जा ही रही थी, उस समय की एक घटना यहाँ पे बताई. द इंसिडेंट ऑक्योर्ड इन 1917. हालांकि अभी भी समय था क्योंकि हमारा जो देश था वो आजाद हुआ 1947 में, और ये घटना है 1917 की. लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड बन गया था या माहौल इस तरह का बन गया था कि ब्रिटिशर्स वर समहाउ दे वर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन इंडिया, एंड दे वर प्लानिंग एक्चुअली सीक्रेटली टू लीव इंडिया. मतलब ओपनली तो नहीं, क्योंकि वो कोई भी जाना नहीं चाहता. भाई लाभ था यहाँ पे रुकने से, बहुत सारे हमारे जितने रिसोर्सेस थे सब पे उन्होंने कब्जा कर रखा था, और सारी जो ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी थी वो सारा इंग्लैंड वो लेके जा चुके थे. गांधी जी हैड गॉन टू द डिसम्बर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. और 1916 में जो है जो हमारी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी उस समय की, तो उसका अधिवेशन था लखनऊ में. ठीक है, अधिवेशन होता था साल में एक बार. तो 1916 का जो एनुअल, देखिए वार्षिक लिखा है, अधिवेशन था वो 1916 में था लखनऊ में. अ पुअर एंड इमेसिएटेड पीजेंट, पुअर माने गरीब, इमेसिएटेड का मतलब बिल्कुल ऐसा बेचारा दीनहीन, ऐसा लगे कि जिसको बहुत अच्छे से प्रॉपरली खाना नहीं मिला है. मतलब किसान की स्थिति क्या होती है भाई, किसान आपने बहुत कम मोटे ताजे देखे होंगे. किसान जो ओरिजिनल होते हैं वो बहुत दुबले पतले और इस तरह के होते हैं. तो राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी देयर. तो राजकुमार जो शुक्ला है वो गांधी जी वहां पे लखनऊ में आए थे 1916 में, तो उनको कोशिश की वहां पे मिलने की. शुक्ला वॉज वन ऑफ द शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण. चंपारण एक जगह है बिहार में, तो वहां पे शेयर क्रॉपर. शेयर क्रॉपर का मतलब होता है बटाईदार. जैसे मान लो आजकल भी बटाईदार नहीं होते गांव में कि भाई जमीन हमारी है और काम हम करेंगे, तो आधा आधा शेयर होता है. शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण. शुक्ला वांटेड गांधी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट एंड लुक इन टू द कंडीशन ऑफ द पीजेंट देयर. और शुक्ला गांधी से चाहते थे कि वो गांधी जी जाए और देखे किसानों की कितनी खराब कंडीशंस हैं, बड़ी एक प्रकार की समस्याएं हैं वहां कई. ही केम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. और ये कांग्रेस सेशन जो चल रहा था लखनऊ में, इसमें ये गए और इन्होंने कंप्लेन किया एक प्रकार से कि जो समस्याएं हैं जो किसानों की वो कोई भी सुनने वाला नहीं है.
अब देखिए यहाँ पे है, गांधी हैड अदर कमिटमेंट्स बट शुक्ला कंपेन्ड हिम एवरीवेयर फॉर वीक्स। अब गांधी जी चूंकि एक भारत देश में आप जानते हैं कि गांधी जी एक ऐसा नाम थे कि उनके पास बहुत सारे काम होते थे, बहुत सारे कमिटमेंट उन्होंने ऑलरेडी कर रखे होते थे। ये नहीं कि कोई एक आदमी आए और उसकी समस्या उसके और उनके तक पहुंचे, मतलब देर वर मेनी कंप्लेन्स रिगार्डिंग डिफरेंट यू नो इश्यूज फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, तो बड़ा मुश्किल था उनके लिए। लेकिन ये जो शुक्ला है ये बहुत ही डिटरमाइंड है, और देखिए फॉर वीक्स हफ्तों तक उनका पीछा करते रहे। ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, और उन्होंने छोड़ा ही नहीं गांधी जी को, जहां जाते थे वहीं पहुंच जाते थे। गांधी जी वॉज वेरी इम्प्रेस बाई हिज टेनेसिटी, तो गांधी जी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए इनकी टेनेसिटी से, मतलब कहा कि भाई ये आदमी तो बहुत ही डिटरमाइंड है। एंड एग्रीड टू अकंपनी हिम टू चंपारण, और आखिर सहमत हो गए कि चलो भाई चंपारण में हमारी आपकी मुलाकात होगी। ही टोल्ड हिम टू कम टू कोलकाता एंड टेक हिम फ्रॉम देयर, और उन्होंने बताया कि भाई कोलकाता आप आ जाइएगा और कोलकाता से हम लोग चंपारण चलेंगे। व्हेन गांधी जी वेंट टू कलकत्ता आफ्टर सम मंथ्स ही फाउंड शुक्ला ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, और जब गांधी जी कोलकाता पहुंचे तो शुक्ला जी पहले से वहां पे, राजकुमार शुक्ला जी पहले से वहीं पे उनका इंतजार कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने वो डिटरमाइंड रहे होंगे अपने काम के लिए, कितने पैशनेट रहे होंगे अपने काम के लिए। ठीक है, विजिट टू राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड देन टू मिर्जापुर। अब गांधी जी जो है वो विजिट करते हैं पहले राजेंद्र प्रसाद के हाउस। राजेंद्र प्रसाद कौन है आप सब जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद वो हैं जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और फिर इंडिया के प्रेसिडेंट बने, तो बहुत ही एक रेनाउंड पर्सनालिटी रहे हैं। ठीक है, जो मूवमेंट हमारा फ्रीडम का चल रहा था उसमें। शुक्ला एंड गांधी वेंट टू पटना, पटना गए वहां पे बिहार में टू मीट अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, एक लॉयर थे उस जमाने के राजेंद्र प्रसाद जिनको बाद में बहुत ज्यादा फेमस हुए। द मैन हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, तो दोनों के प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे, ये कांग्रेस पार्टी के भी रहे और भारत के भी अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष का मतलब होता है राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद तो बाहर थे टाउन के। द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर पीजेंट हु pestered their master to help the indigo sharecroppers। अब ये जो शुक्ला जी थे इनको तो वो जानते थे कि भाई ये गरीब किसान हैं और इनके साथ जो आदमी आए वो भी कैसा होगा। तो देखिए, as गांधी जी accompanied him they thought him to be another farmer। accompanied का मतलब होता है साथ देना, भाई गांधी जी भी साथ में थे तो उनको लगा कि यार ये भी कोई किसान ही होंगे नॉर्मल। गांधी जी वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल एज दे थॉट ही वॉज एन अनटचेबल, और गांधी जी को वहां पानी भी नहीं पीने दिया गया क्योंकि उनको ये समझा गया कि ये अनटचेबल हैं और ये जो है हरिजन है एक प्रकार से, SC जिसको आप कहते हैं। ठीक है, गांधी जी डिसाइडेड टू विजिट मुजफ्फरपुर आफ्टर चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन प्रिवलेंट इन दिस इन द एरिया। गांधी जी कहां गए, मुजफ्फरपुर गए चंपारण जाने से पहले, जिससे कि उनको और जानकारी मिल जाए जो कंडीशंस थी, मिजरेबल कंडीशंस थी किसानों की, उससे संबंधित उनको और जानकारी मिल जाए। गांधी सेंड अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी हु रिसीव्ड देम एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। जेबी कृपलानी भी एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, वो प्रोफेसर थे, तो उनको गांधी जी ने जो है एक लेटर भेजा टेलीग्राम के रूप में, और वो बच्चों के साथ आए, उनको वहां पे रिसीव किया स्टेशन पे। गांधी स्टेड इन मुजफ्फरपुर फॉर 2 डेज इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी और गवर्नमेंट स्कूल टीचर। मलकानी एक थे उनके प्रोफेसर, तो उनके घर में रुके 2 दिन। ही रिकॉल दैट हिज स्टे इन द गवर्नमेंट हाउस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग
इन दोज डेज। उस जमाने में किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के यहाँ रुकना बहुत ही बड़ी बात होती थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे वो डरते थे कि कहीं उनकी नौकरी पे कोई खतरा ना आ जाए या कोई बवाल ना हो जाए। ठीक है, तो इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। होम रूल का मतलब होता है कि अपना शासन, अपना जो एक आंदोलन था उसके लिए अगर आप जाते तो आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो कहीं ना कहीं डरते थे और बहुत ज्यादा वो आपको प्रेफरेंस नहीं देते थे। तो ये आज का लेक्चर आज हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर टुमारो ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।